एकदम लाल हो। खौफ, तकलीफ और कर्ब में मुब्तला क्रिश्चियन कॉलोनी के रिहायशी अपने जले हुए मकानात और सामान में दोबारा जीने की उम्मीद ढूंढ रहे हैं। बुध की सुबह जड़ामाला के इस इलाके में तोहीन मजहब के इल्जाम पर मुश्तिल हजूम ने न सिर्फ इलाके के गिरजाघरों को आग लगा दी बल्कि यहाँ मौजूद मसीही आबादी के कई घरों में पहले तोड़ फोड़ की और फिर सामान और घरों को आग लगा दी। मैं अपने बच्चे ने जाना बचाइया, कई डब्बे करा दिते हैं, हिम्मत नहीं भी चंद कुंजी अपनी ला जाइए, कोई पुछने वाला कौन नहीं है, साड़ी किसी हेल्प नहीं की, ना पुलिस ने ना किसी ने ना बोलिया। बारो पिंड लोगों ने आके बहुत नुकसान किया उन्होंने, तो साडा बस्ती दे विच असी कलमा लाया जे ते फिर असी अपनी बचत की आ। एक दी गलती दी वजह तो सारे नु सजा दी जा रही है, ये किधर दा इंसाफ होया? जड़ामाला में मसीही आबादी के कई मोहल्ले हैं। ये मोहल्ले कई दहाइयों से आबाद हैं। इलाके में मुकीम अफराद ज्यादातर मजदूर पेशा और फैक्ट्रियों में मुलाजमत करते हैं। ये वो घर है जिसके रिहायशी के बारे में मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि उसने मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान पाक की बेहरमती की, जिसके बायस जो इलाकों के लोग थे उनके जज्बात भड़क उठे और यहाँ पर जो लोग हैं वो जोक दर जोक पहुँचना शुरू हो गए। अहले इलाका के मुताबिक हमला इस कदर शदीद था कि इस घर से मुंसलिक जितने भी घर थे इस गली में तमाम को जो है वो उसमें पहले तोड़फोड़ की गई, फिर जलाओ किया गया और घरों के अंदर रखी हुई चीज़ों को जला दिया गया। इसके बाद वो दूसरी गली में गए जहाँ पे चर्च था, उसको तोड़ दिया गया, जला दिया गया और जो दीगर इमलाक है लोगों की वो उनको नुकसान पहुँचाया गया। मसीही बरादरी के नुमाइंदे समझते हैं कि अगर पुलिस और इंतजामिया बर वक्त कार्रवाई करती तो नुकसान से बचा जा सकता था। रियासत नाकाम हुई है अपने फराइज पूरे करने में, फंडामेंटल राइट्स जो रियासत का काम है उसको पूरा करना। हम बतौर पाकिस्तानी हैं, बतौर मसीही नहीं, बतौर पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि 9 मई को जिस तरह से जो कुछ हुआ था उन सब लोगों को पकड़ा गया है, ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन चर्च, मस्जिद, मंदिर सारी ये चीज़ें ये उन इदारों से भी आगे बढ़कर होती हैं। पाकिस्तान में अकलीतों की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने का ये पहला वाकया नहीं, लेकिन पुलिस का कहना है कि जड़ावाला में हजूम बहुत मुश्तिल था और पुलिस की नफरी कम, इसीलिए नुकसानात हुए। यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन और जो टीएलपी फिनोमेना, उसके अलावा जो फिर वाकया होते रहे जिसके लिए लोग पहले से बड़ा कुकड अप थे, जड़ावाला के ऊपर जिस तरह की फोर्स पहुँचने की ज़रूरत थी वो जहर बातें वहाँ से हेडक्वार्टर से आनी होती है। जड़ावाला की अपनी फोर्स भी वो उस वक्त नाकाफी थी और मैंने कहा जैसे कि जब जो फोर्स पहुंची उसने लोगों को देखकर एक रिस्ट्रेन का भी एक एलिमेंट रखा साथ में कि कहीं इस तरह इंसानी जाने ना चले जाएं,